गाइस तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया ऑनट्रैक सेंटर का एक नया एपिसोड एपिसोड नंबर 132 एंड 133 जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या बेल आइकन कोई प्रेस करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज है फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, साथ ही साथ फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी। तो अब रिकैप कर लेते हैं पिछले एपिसोड नंबर 131 का, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि मेरियम अब महल के अंदर आ चुका है और अब वो किमयोगी के बारे में भी पूछता है। दूसरी तरफ मेट्रोपिटो मारी जा चुकी है गॉन के हाथों। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी मेमोरीज को भूल चुका होता है क्योंकि उसे याद ही नहीं होता है कि किमयोगी और उस चेस बोर्ड के बारे में। तो वो पूछता है और वो कहता है कि मैं शायद कुछ भूल रहा हूँ, है ना। पर वो अपने और भी बाकी सारी मेमोरीज को रिकवर करने के लिए बोलता है और उसके लिए उसे जरूरत होगी नेट्रोपिटो की। उसे हल्की सी बात याद आती है कि शायद उसने नेट्रोपिटो को किसी तरह का टास्क दिया था और उसे कहा था कि इसे चीज को टास्क कम्प्लीट कर लेना। वो काफी चालाकी से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और बताता है कि इस जगह पर काफी सारे और भी पीपल्स आ चुके हैं जो कि इसी प्लेन पर हैं, यानी किसी मेंशन के अंदर, और वो कुछ प्लान्स कर रहे हैं। यहाँ पे उसे नेट्रोपिटो का हल्का सा विजन आता है और उसे कोई टास्क दिया था ऐसा कुछ एहसास होता है, जिसके लिए वो कहता है कि नेट्रोपिटो को ढूंढो। दूसरी तरफ से वो ये भी कहता है यूपी तुम जाओ और वैफू तुम भी नेट्रोपिटो को ढूंढो। तभी उसके दिमाग में एक किमयोगी की भी स्ट्राइक होती है इमेज को। यहाँ पास से हमें ये भी पता चलता है कि अगर नेट्रोपिटो यहाँ पर आ जाए तो वो किंग की सारी मेमोरीज को एक बार रिकवर कर देगी, साथ ही साथ उसके एक एक वर्ड्स को भी। दूसरी तरफ हमें ये भी पता चलता है कि वहाँ पे जो भी ह्यूमंस थे उन्हें हराने के लिए हमें कुछ करना होगा क्योंकि वो इजी मेंशन के अंदर अवेलेबल है। इस बात को सुनते ही अपने अंदर का पूरा नैन बाहर की तरफ निकालने लगता है। इस बात को यूपी और वैफू नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। तभी वो दिखाया जाता है कि वेस्ट मेंशन के टावर की तरफ से पूरे का पूरा नैन बाहर की तरफ आ रहा है, जिसका एहसास पाम और बाकी सभी मेंबर्स को होता है। वैफू और यूपी दोनों इस चीज का कारण पूछते हैं तो वो बताता है कि अगर मेरा नैन बढ़ गया तो वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाएंगे और चीज को देखते ही वो बाहर या अफरा तफरी मचा देंगे, इस चीज का वो फायदा उठा सकता है। जहाँ पे पाम ये समझ जाती है लेकिन नकल और बाकी यानी चमेलियन ये चीज देखकर हैरान हो जाते हैं। अब वो उस जगह से बाहर की तरफ निकलते हैं और कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचकर राजा को खत्म करना होगा, इसलिए वो दोनों उस भीड़ से बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। अब किंग के अंदर से एक वाइट तरह की लाइट निकलती है जो कि काफी तेज होती है और ये एक मित्रक का स्पीड पावर होती है शायद, जहाँ पे वो तुरंत देखता है चमेलियन की उसके सामने कौन खड़ा है और इस लाइट को सभी लोग सेंस करते हैं, इवन पाम और साथ ही साथ ऑक्टोपस भी जो कि काफी ज्यादा दूर होते हैं उस मेंशन से। वहां पर आता है और नकल के नेक पर एक कवर जबरदस्त चक मारता है, साथ ही साथ वो चमेलियन के गले पर भी एक चक मारता है। यहाँ पास ये लोग देखते हैं कि इतनी जल्दी कैसे वैनिश हो गए, यानी कि मास्टर। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एपीआर अब जा चुका है, इसका मतलब नकल बेहोश हो चुका है, यहाँ पास से ये कहूँ या फिर मर चुका है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है पाम को जो कि उसे लेकर भाग रही होती है, यानी किमयोगी को। यहाँ पर ऑक्टोपस भी भाग रहा होता है घर के अंदर जाने के लिए, यानी कि मेंशन के अंदर जाने के लिए जो कि अंडरग्राउंड होता है। मरियम को अब अपनी मेमोरीज वापस चाहिए होंगी और जल्द से जल्द चाहिए होंगी, इसलिए वो अब ऑर्डर कर देता है कि जल्दी जल्दी जाओ नेट्रोपिटो को ढूंढो। लेकिन हमें पता है कि नेट्रोपिटो अब मारी जा चुकी है, साथ ही साथ अब वो बोलता है कि अब तुम्हें जल्द से जल्द करनी होगी। वैफू अपने पूरी बॉडी फॉर्म में आ जाता है और वो कहता है जी मास्टर। जगह से वो काफी तेजी से निकल जाता है यूपी के साथ। वो यूपी कहता है कि तुम जाके दूसरी तरफ देखो और यूपी दूसरी तरफ निकल जाता है। पाम अपने क्रिस्टल के अंदर देखने की कोशिश करती है कि नकल और कैमेलियन के साथ क्या हुआ और बाकी मेंबर्स को भी देखती है, साथ ही साथ वो गॉन को देखती है जिस पर उसका सिर्फ एक हाथ होता है
और ये देखकर वो काफी शॉक में होती है। वो जल्द से जल्द पहुंचती है उस जगह पर जहाँ से अंडरग्राउंड हो सके वो लोग। और ऑक्टोपस आता है और उसे कहता है कि जल्द से जल्द हमें अंदर की तरफ जाना होगा, क्योंकि किंग को अब पता चल चुका है कि सब लोग कहाँ पर है। जिसके बाद वो अंदर जाते ही एक ट्रक का यूज करते हैं और ट्रक का यूज करते ही सीधे उस कमरे पर पहुंचते हैं जहाँ पे पाम्प को रखा गया था स्टार्टिंग में विदाउट म्यूटेशन के पहले। इनको दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड नंबर 133 यहाँ से चालू होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें काफी सारे मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि बेहोश पड़े होते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि अब इन सभी मेंबर्स के ऊपर से वैफू का ग्लिटर्स अब कम हो चुका है। एक्चुअल में ऐसा करने का कारण ये था क्योंकि उसने अपने पूरे सेल या फिर ग्लिटर्स उसके अंदर डाल दिए, मैरियम के अंदर डाल दिए थे, जिसकी वजह से अब उसकी पावर कम हो चुकी थी इन भीड़ के अंदरों में। वो इसी चीज को सोच रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अब ये दोनों उस रूम के अंदर उस लड़की को छोड़ के आ चुके हैं, यानी किम योगी को। वो देखते हैं कि अभी भी वेल्फी इसके अंदर बैठा और वो जख्मी हालत में। और यहीं पर ऑक्टोपस उससे अपने लिए एक मदद मांगता है, साथ ही साथ पाम के लिए भी, जिस पर वो पहले तो मना करता है, बाद में एग्री हो जाता है। तो वो बाहर की तरफ आता है जहाँ पे पाम अपने पावर का यूज करना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे ऑक्टोपस उसे मना कर देता है, जिसके बाद वो मान जाता है। और वो कहता है कि जब तुम ह्यूमंस रहे होगे तब अपनी बातों को रिमेम्बर करो। इस बात को याद करके वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि पहले कभी वो भी ह्यूमन हुआ करते थे, आज वो एक म्यूटेंट बन चुके हैं हमारा एंड के सोल्जर्स की वजह से, नहीं तो वो कभी एनजीएल में रहकर काफ़ी खुश थे। यहाँ पास से वो उन सभी मेंबर्स को बाहर की तरफ भेजता है, यानी कि वो चार लड़कियाँ जो कि पाम के साथ आई हुई थी एज अ हॉस्टेज, वो बाहर की तरफ उसे छोड़ने जाता है। तो वो मैरियम को एक मैसेज भी भेजता है कि अगर उसे किमयुगी चाहिए तो उसके बदले उसे नकल और चमेलियन को वापस करना होगा। यहाँ पास से वो उसका काम करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो काम करता है और उस जगह से निकल जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है यूपी को और वो चार लड़कियां को छोड़ देता है बाहर की तरफ और कहता है कि एक सेकंड रुकना, मैं बाहर चेक करके आता हूँ। तो वो गाड़ी लेकर जाता है और शटर को ओपन करता है। शटर को ओपन करते ही यूपी की नज़र उस शटर के पास पड़ जाती है, तो वो उस गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है और रुकने के लिए कहता है। बाकी चीज़ों की भी डिटेल्स वो मांगता है। वेलफिट इस चीज़ को देख कर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि इन्हीं की वजह से वो आज एक म्यूटेंट है। बस का मैसेज वो उस रॉयल गार्ड को दे देता है। इस बात को सुनते ही वो कहता है ऐसा क्या, और इस जगह से उड़ के निकलने लगता है। जहाँ पे वो वेल्फिन एक बार यूपी को रोकता है और कहता है तुम्हें याद है कि तुम कौन थे, मतलब इस पास्ट अपना याद है तुम्हें। जहाँ पे वो बताता है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं याद है, आज मैं एक रॉयल गार्ड हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपको सुनने के बाद वेल्फिन बोलता है ओके, और एक बार वो फिर उसको रोकता है, जहाँ पे यूपी गुस्सा हो जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि ये एक मिसाइल मैन में कन्वर्ट हो चुका है, तो इस बात से वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। और यही पास से सीन कट होता है और हमें राजा को दिखाया जाता है अपनी मेमोरी को याद करने के लिए उसी कमरे में ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक गोटी दिखती है जो कि चेस की होती है, और ये होती है जिनरेल जो भी है। खैर, इस चीज को याद करते ही उसे याद आता है कि उसके ऊपर कुछ नैन के बारिश हुई थी, यानी कि वही ड्रैगन जब फटा था, जहाँ पे उसका वो कीबोर्ड भी चेस बोर्ड टूट चुका था और वो लड़की घायल हो चुकी थी। एक बार फिर से वैफू ने अपना जादू चला दिया होता है सभी के सभी ह्यूमंस पर। अब वो देखता है कि वहाँ पर यूपी पड़ा हुआ है। यूपी को वो देखकर इस हालत में काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाता है क्योंकि यूपी अब मर चुका था। एक्चुअल में अब ये लोग एक सेल के बराबर हैं, इसलिए अब इनकी ताकत भी काफ़ी कम हो चुकी है, मतलब एक बच्चा भी इन्हें मार सकता है। हम सारी की सारी जानकारी गॉन और किलुआ की दे रही होती है ऑक्टोपस को। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पर पहुंच चुका है वो राजा को वो सारी जानकारी देता है, लेकिन राजा को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो पूछता है कि वो लड़की और वो चेस बोर्ड कहाँ पर है। इस बात को वो सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में आता है। दूसरी तरफ अभी भी ये लोग बात कर रहे होते हैं क्योंकि नेट्रोपिटो ने इसे ठीक किया है, यानी कि वो किसी को भी ठीक कर सकती है और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। किलुआ के ऊपर हुए अटैक्स और बाकी चीज़ों को भी रिवील कर रही होती है जो कि पास्ट में घटे हुए थे, और ये सारी चीजें वो किंग के बारे में भी कुछ कुछ बता देती है। तब तक पाम और ऑक्टोपस दोनों ही काफी ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि किंग से डील करना मतलब मौत को बुलावा देना, साथ ही साथ उन्हें उस अटैक के बारे में पता था जिसमें किंग मारा जा चुका था। और इस चीज को जिंदा करने के लिए यूपी और वैफू ने अपने सेल्स दिए थे।
यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है वेफू को जो कि नेट्रोपिटो को चिल्लाता है और चिल्लाने के साथ ही उसके मुंह से खून निकलता है जिसे ये देखकर काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मैं इसका अगला एपिसोड काफी जल्द लेके आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, साथ ही साथ फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी। थैंक यू।